हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन सबकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो पीसीएस की तैयारी बिल्कुल भी किसी ने उसको ढीला नहीं छोड़ना है। पेपर होगा नहीं होगा, इन सब चीज़ों का सोचने का काम आपका नहीं है। अगर किसी के सोचने से पेपर की डेट सेट होती है तो वो सोच ले, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है। ऑलराइट, चलिए। तो साडा पंजाब एक बुक है जो आप लोग जनरली फॉलो करते हैं जब आप पंजाब की तैयारी कर रहे हैं, तो उस बुक में से रेफरेंस लेकर और उसके अलावा और भी सोर्सेज। देखो, वो जो बुक है ना, काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन वो बुक सफिशिएंट नहीं है और उस बुक में कई जगहों पर मिस्टेक्स भी हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, उस बुक में कई जगहों पर गलतियाँ भी हैं। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप कम्प्लीटली अगर उसके ऊपर रिलाई कर रहे हो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और काफ़ी चीज़ें उसमें मिसिंग है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए। तो इसीलिए ये जो सीरीज़ है आपको काफ़ी हेल्प करेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे पीसीएस की और बाकी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो गुरु रामदास जी के बारे में आज हमारा जो है फोकस रहेगा। अभी तक हम गुरु अमरदास जी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था सिखिज़्म में, अब हम आज पढ़ेंगे मेनली गुरु रामदास जी के बारे में। ठीक है, चलो। तो गुरु रामदास जी, इनका बाय बर्थ नेम था भाई जेठा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है। ऑलराइट, मैं अभी दिखाऊंगा भी आपको कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं पीसीएस में। आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। देखो, रिलीजन या जो सिखिज्म जो आपके सिलेबस में है, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है पीसीएस के, अगर आपने पिछले साल के पेपर भी एनालाइज किए हैं, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं होती। ठीक है जी, तो गुरु रामदास जी, जन्म हुआ इनका 9 अक्टूबर 1534 को, ठीक है, और 1581 में ज्योति जोत इनको प्रदान हुई। ठीक है, चौथे गुरु थे, 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म में, ये थे चौथे गुरु। देखो, अब ऐसा एक ना मिथ होता है कि जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहा है दैट पर्सन बिलोंग्स टू सिख रिलीजन, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, ऐसी कोई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जामिनर ने सेट करी है कि सिर्फ जो सिक्स हैं वो पीसीएस दे सकते हैं, तो कई नॉन सिख बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनको जनरली क्या पता ना पता हो इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर इन वाले फैक्ट्स में भी फंसाने की कोशिश कर सकता है। सिख गुरुज का जो आपका ऑर्डर है वो आपको पता होना चाहिए 1 to 10 वेरी क्लियरली। ऑलराइट, तो गुरु जी का जन्म हुआ था 1534 में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और बर्थ सिटी थी लाहौर। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स हैं, आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बर्थ सिटी के ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और इनके पेरेंट्स जो थे, इनके पिताजी का नाम था भाई हरिदास जी और मदर का नाम था माता अनूप देवी जी। ठीक है, और बर्थ नेम जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जेठा इनका जो है बर्थ नेम था। 7 साल की उम्र में क्या हुआ, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, पिताजी और माताजी की मृत्यु हो गई और उसके बाद ही अपनी ग्रैंड मदर, अपनी नानी के साथ रहे। 12 साल की उम्र में भाई जेठा जो थे, ये थर्ड सिख गुरु, और थर्ड सिख गुरु कौन थे, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु अमरदास जी से मिले और ये इतने ज़्यादा उनसे जो है प्रेरित हो गए कि ये उनके उसी समय शिष्य बन गए। ठीक है, उसके बाद से भाई जेठा सर्व्ड गुरु अमरदास जी, उन्होंने उन्हीं के साथ रहना शुरू कर दिया, उन्हीं के पास रहना शुरू कर दिया। ठीक है, और उनकी सेवा में वो कम्प्लीटली जो है अपने आप को समर्पित कर चुके थे। जब उनकी शादी की उम्र हुई, तब गुरु अमरदास जी ने अपनी एक बेटी, अपनी जो सबसे उनकी छोटी बेटी थी जिनका नाम था बीबी भानी जी, बीबी भानी जी की शादी अपने शिष्य भाई जेठा से करा दी, जो आगे चल करके आपके गुरु रामदास जी बने। ठीक है, तो गुरु रामदास जी जो थे वो गुरु अमरदास जी के क्या हुए, वो थे उनके जमाई। ठीक है, यानी कि सन इन लॉ। तो इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है ना, घुमा करके। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको बेसिकली पता होने चाहिए। ऑलराइट, पीसीएस में इस तरह के फैक्ट्स में से आप क्वेश्चन हमेशा, अगर आप पिछले सालों के पेपर उठाकर देखो, आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन देखो किस तरह से आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जेठा वॉज द ओरिजिनल और बर्थ नेम ऑफ विच सिख गुरु, कौन से सिख गुरु का असली नाम या जन्म का नाम भाई जेठा था। ऑप्शन में 4 गुरु दे दिए या 3 गुरु दे दिए और एक नन ऑफ द अबव दे दिया, गुरु रामदास जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु नानक देव जी। तो आंसर ऐसे क्वेश्चन का क्या हो गया, ए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो।
ठीक है, चलिए। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 साल की उम्र में ही जो गुरु रामदास जी हैं या भाई जेठा हैं वो गुरु अमरदास जी से मिले और उसके बाद वो उन्हीं की सेवा में लग गए। अब गुरु रामदास जी जो थे वो गुरु अमरदास जी को रिप्रेजेंट उन्होंने किया मुगल रॉयल कोर्ट में। एक बार क्या हुआ, कुछ लोगों ने जाकर के गुरु जी जो थे उनकी कंप्लेंट कर दी कि जो गुरु अमरदास जी हैं ये लोगों को भड़का रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों को भड़का रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो रिलीजन है वो उसमें बड़े सारे फॉल्ट्स हैं, तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ, तुम सिखिज्म की साइड आ जाओ। ठीक है, बेसिकली कंप्लेंट क्या थी कि जो गुरु है, जो गुरु अमरदास जी हैं वो दूसरे धर्मों के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन गुरु अमरदास जी ने रिप्रेजेंट किया और उस समय मुगल बादशाह कौन होते थे, अकबर। अकबर के कोर्ट में जाके, अकबर के दरबार में जाके गुरु अमरदास को रिप्रेजेंट किया गुरु रामदास जी ने, ठीक है। एंड अल्टीमेटली अकबर ने जो डिसीजन लिया वो गुरु रामदास जी के फेवर में ही लिया, गुरु अमरदास जी के फेवर में ही लिया। और इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए वो सिखिज़्म से कि उन्होंने सारे चार्जेस जो हैं जो लगाए गए थे गुरु अमरदास जी पे या सिखिज़्म पे उसको हटा दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, हु रिप्रेजेंटेड गुरु अमरदास जी इन द कोर्ट और इन द रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है ना कि नहीं पूछा जा सकता। नीचे ऑप्शन दे देगा, भाई जेठा, भाई गुरदास, श्रीचंद, नन ऑफ दी अबव, इस तरह से आपको दे देगा क्वेश्चन, बन सकता है ना क्वेश्चन। तो आपको अपने माइंड में रेडी रहना है, जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो ना खुद से भी सोचने की कोशिश करो कि किस तरह से एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि हाँ भैया एग्जामिनर मेरे लिए इस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलिए। उसके बाद जब गुरु रामदास जी को गद्दी मिली उसके बाद उन्होंने एक नई सिटी बनाई जिसका नाम था रामदासपुर। ठीक है, रामदासपुर उसका नाम रखा गया और यहाँ पर इन्होंने एक सेकंड सेक्रेट पूल बनाया। पहले गुरु अमरदास जी ने बनाया था, अब एक यहाँ पर रामदासपुर में एक सेक्रेट पूल बनाया और इसको बनाने का आदेश भी उनको गुरु अमरदास जी ने ही दिया था। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे जो श्रद्धालु थे, जो मानने वाले थे गुरु जी में, वो यहाँ पर आए और उन्होंने इसकी खुदाई में बहुत ज़्यादा हेल्प की। अल्टीमेटली ये जो जगह है ये अमृतसर के नाम से मशहूर हुई बिकॉज ऑफ दिस होली टैंक ओनली, जिसको कहा जाता है पूल ऑफ नेक्टर, यानी कि अमृत का पुल। ठीक है, अगर आप जाते हो हरमिंदर साहिब जी में तो वहाँ पर आप देखते हो ना वो बना हुआ है जो पुल, तो वो क्या उसको बोला जाता है कि ये अमृत का पुल है। अमृत, अमृत आप समझते हो ना कि जो अमरता होती है जिसमें। ठीक है, तो गुरु रामदास जी अर्ज्ड हिज सिक्स दैट वन कुड फुलफिल वन्स लाइफ नॉट मेयरली बाय क्वाइट मेडिटेशन। गुरु रामदास जी ने की जो एक मेजर टीचिंग थी वो क्या थी कि भैया सिर्फ आप कहीं कोने में बैठे हो और आप सिर्फ मेडिटेट करे जा रहे हो, राम 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 करे जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे आप अपनी चीज़ों को फुलफिल नहीं कर सकते, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा दूसरे के सॉरोज में और दूसरे के जॉयज में। अगर कोई दुखी है तो आपको उसका दुख बांटना है, कोई सुखी है तो उसकी सुख बांटना है। ठीक है, दूसरों के दुखों को दूर करने की कोशिश करनी है, उससे आप अल्टीमेटली अपने गोल्स को पूरा कर सकते हो। ठीक है, और इसी से जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है इंसान के नेचर में ईगो की, वो अपनी दूर कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, रामदासपुर सिटी किसने फाउंडेशन की और रामदासपुर इज योर प्रेजेंट डे अमृतसर। ठीक है, इस तरह से सवाल बन सकता है आपके लिए। बानी ऑफ गुरु रामदास, तो अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब जी देखें तो उसमें कुछ 688 हिम्स जो हैं वो गुरु रामदास जी की टीचिंग्स में से लिए गए हैं। ऑलराइट, और गुरु साहिब जो हैं आपके गुरु रामदास जी हैं, इनकी जो बानी है ये पाठ है रेहराज साहिब और कीर्तन सोहिला का भी, जो सिख्स में, सिख रिलीजन में डेली प्रेयर्स का पार्ट फॉर्म करती हैं। ठीक है, रेहराज साहिब और कीर्तन सोहिला, तो पूछा जा सकता है कि इसकी क्या रेलिवेंस है। आप कह दोगे कि दे फॉर्म द पार्ट ऑफ मॉर्निंग प्रेयर्स इन सिख रिलीजन। ऑलराइट, चलिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट जो गुरु रामदास जी की लाइफ से रिलेटेड है, दैट इज मीटिंग विद श्रीचंद। ऑलराइट, अब श्रीचंद कौन थे, आप सब नाम ये सुन चुके हैं, गुरु नानक देव जी के जो बेटे थे वो श्रीचंद जी थे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, क्योंकि गद्दी तो श्रीचंद को नहीं मिली, तो श्रीचंद
जो है वो साधु बन गए और उन्होंने अपना खुद का एक संप्रदाय शुरू किया जिसको बोला जाता था उदासीस। ये उदासीस के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। तो उदासीस सेक्ट उन्होंने एक बना दिया। जैसे बुद्धिज्म में जब हम पढ़ते हैं ना कि एक सेक्ट महायाना संप्रदाय बन गया, एक हीनयाना बन गया, एक वज्रयाना बन गया। जैनिज्म में एक दिगंबर हो गए, एक श्वेतांबर हो गए, ठीक है। तो आपके श्रीचंद जी ने भी एक अलग सेक्ट बना दिया, एक अलग संप्रदाय बना दिया, उसको बोल दिया उदासीस। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे किसी और लेक्चर में, ठीक है। तो एक बार ये श्रीचंद जी जो है गुरु रामदास जी से मिलने आए, तो गुरु रामदास जी से इन्होंने पूछा कि आपने इतनी लंबी दाढ़ी क्यों रखी हुई है। तो गुरु रामदास जी कहते हैं, ये दाढ़ी मैंने इतनी लंबी इसलिए रखी है ताकि अगर कोई भी मेरे घर पर, मेरे द्वार पर कोई साधु आदमी आता है, कोई होली मैन आता है, ठीक है, तो मैं उसके चरणों को, उसके पैरों को अपनी दाढ़ी से साफ कर सकूं, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने श्रीचंद जी के साथ भी यही किया, उनके पैरों को अपनी दाढ़ी से साफ किया, बियर्ड से, ठीक है। अब ये देखने के बाद श्रीचंद ने उनका हाथ पकड़ा गुरु रामदास जी का और उनको बोला कि नहीं, बस आप रहने दीजिए, और आपकी इसी करेक्टर की वजह से और आपकी, आप लोगों की इसी ह्यूमिलिटी की वजह से जो गद्दी मेरे पास होनी चाहिए थी वो आप लोगों के पास है। मुझे अब समझ आ गया कि मेरे पिताजी ने गद्दी मुझे ना दे करके किसी और को क्यों दी, क्योंकि ऐसी ह्यूमिलिटी मुझ में नहीं है, ऐसी गुडनेस ऑफ हार्ट, ऐसा पवित्र दिल, समझ रहे हो। तो ये काफी फेमस है। मेनली एक पॉइंट यहाँ से आपके लिए क्या निकलता है, प्री में आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि उदासी सेक्ट का फाउंडर कौन था। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाया है इस तरह से, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ उदासी सेक्ट, बाबा श्रीचंद, बाबा बुद्धा, बाबा रायदास या नन ऑफ द अबव। इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है आपसे, तो आंसर क्या कह दोगे, बाबा श्रीचंद। ऑलराइट, यह सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है। एक और सवाल अगर मैं यहाँ पर फ्रेम करने की कोशिश करूं, बाबा श्रीचंद द फाउंडर ऑफ उदासीस सेक्ट वॉज द सन ऑफ विच सिख गुरु, ठीक है, कि बाबा श्रीचंद जो थे जिन्होंने उदासीस सेक्ट की फाउंडेशन की, वो कौन से सिख गुरु के बेटे थे। ऑप्शन में आपको चार सिख गुरु दे देंगे, गुरु नानक देव जी दे देंगे, गुरु रामदास जी दे देंगे, गुरु अमरदास जी दे देंगे, गुरु हरगोविंद जी दे देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु रामदास जी। तो दिमाग को घुमाओ अपने, ताकि अगर एग्जामिनर गुगली फेंके तुम्हारे सामने तो तुम उसका भी जवाब दे सको, समझ रहे हो। चलो उसके बाद गुरु रामदास जी ने अपने बेटे अर्जुन देव को लाहौर भेज दिया था एक बार एक शादी अटेंड करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने उसको, उनको वहीं पर रहने को कहा कि वो सिखिज्म का प्रचार वहाँ पर करें। अल्टीमेटली हालात कुछ ऐसे बने कि गुरु रामदास जी ने बाबा बुद्धा जो थे, अभी हम बाबा बुद्धा के बारे में भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो बाबा बुद्धा को भेजा वहाँ पर कि अर्जुन देव जी को आप वापस लेकर के आइए पूरे ऑनर्स के साथ। और वापस बुलाने के बाद गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जन देव जी को अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया। पर गुरु अर्जन देव जी गुरु रामदास जी के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, सबसे बड़े बेटे जो थे वो थे पृथ्वीचंद। पृथ्वीचंद जो थे उनको हमेशा डर रहता था कि मेरे पिताजी मुझे गद्दी ना देकर के गुरु अर्जन देव को गद्दी दे देंगे, और इसीलिए वो कोशिश ये करते थे कि वो अर्जन देव जी और गुरु रामदास जी को दूर दूर रख सकें, उनके बीच में डिस्टेंस बनाकर रखें, ठीक है। लेकिन इस चीज के बारे में जो गुरु रामदास जी थे उनको पता चल गया कि वो किस तरह से गुरु अर्जन देव जी के साथ मिसबिहेव करते हैं पृथ्वीचंद। तो अल्टीमेटली गुरु रामदास जी ने पृथ्वीचंद को पब्लिकली बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया उनके एक्शंस के लिए, और फिर गुरु अर्जन देव को जो है अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया, और अल्टीमेटली 1581 में उनकी डेथ हो गई, ज्योति ज्योत उनको प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये थे गुरु रामदास जी के लाइफ के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे। अब हम पढ़ेंगे बाबा बुद्धा के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से भी निकल कर आ सकते हैं। अभी इस तरह की चीजें आपको किताब में नहीं मिलेंगी, ठीक है, इस तरह की चीजें आपको किताब में नहीं मिलेंगी। तो बाबा बुद्धा जो थे इनका जन्म हुआ 1506 में, सवाल नहीं पूछा जाएगा, जगह पर हुआ कत्थू नंगल नाम की, सवाल
नहीं पूछा जाएगा। ओरिजिनल नेम था इनका बुरा, ठीक है, और इनके पिताजी का नाम था भाई सुग्गा। हिंदू जट परिवार में इनका जो है जन्म हुआ था और मदर थी इनकी माई गौरन, ठीक है। ये सब सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा। भाई बुद्धा की रेलिवेंस क्या है, ठीक है, जिनको हम बाबा बुद्धा जी भी कहते हैं, इनकी एक यूनिक पोजीशन है। अगर आप सिख रिलीजन की हिस्ट्री में जाओ तो एक यूनिक पोजीशन है, और वो यूनिक पोजीशन किस वजह से है, क्योंकि इन्होंने जब भी गुरुशिप ट्रांसफर होती थी तो तिलक किया जाता था। जब भी गद्दी एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाती थी तो तिलक किया जाता था, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जो आपके बाबा बुद्धा थे, इन्होंने 5 सिख गुरुओं का तिलक किया है। 5 सिख गुरु जो सक्सेसर बने, देखो गुरु नानक देव जी तो फाउंडर थे ना, ठीक है, सक्सेसरशिप तो उनके बाद शुरू हुई, तो 6 सिख गुरुओं के साथ ही रहे। 6 सिख गुरुओं के साथ इन्होंने जो अपना जीवन बिताया, और 5 यानी कि दूसरे सिख गुरु से लेकर 6ठे सिख गुरु तक का जो तिलक हुआ है वो आपके भाई बुद्धा ने किया, समझ रहे हो। तो काफी उम्र तक आप देखो तो मोर देन 100 ईयर्स की इनकी लाइफ थी, समझ रहे हो। और एक और इम्पॉर्टेंट रेलिवेंस जो भाई बाबा बुद्धा की है वो है कि ये पहले प्रीस्ट बने या ज्ञानी बोला जाता है जिनको, हरमिंदर साहिब के पहले प्रीस्ट बनने वाले कौन थे, आपके बाबा बुद्धा। सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट प्रीस्ट ऑफ हरमिंदर साहिब जी, हरमिंदर साहिब जी, तो आप क्या कह दोगे, बाबा बुद्धा। एंड ही ऑल्सो लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ डेरा बाबा नानक जी, और जो भी आपकी काफी होली बिल्डिंग्स है अमृतसर में उनकी फाउंडेशन स्टोन बाबा बुद्धा ने ही रखी। तो यहां से आपको रेलिवेंस समझ आ जाती है कि बाबा बुद्धा की कितनी ज्यादा रेलिवेंस है। सीधे सीधे सवाल इस इंफॉर्मेशन में से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंस देखिए, गुरु नानक देव जी हमेशा क्या प्रमोट करते थे कि कोई ऊंचा बड़ा नहीं होता, भगवान के लिए सब एक है, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी ने इसी वजह से तिलक करने का मौका, जब जो दूसरे गुरु थे, जब सेकंड गुरु को प्रमोट करना था, सक्सेसरशिप जब गुरु नानक देव जी ने दी, तो उन्होंने बाबा बुद्धा को ये काम दिया तिलक करने का, क्योंकि ये एक लो कास्ट से बिलोंग करते थे। तो ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरु नानक देव जी वॉज वर्किंग फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल, इसीलिए लंगर प्रथा उन्होंने शुरू की, और आने वाले सब सिख गुरुओं ने जो है जात पात को खत्म करने की बात की। इसी वजह से उन्होंने एक लो कास्ट व्यक्ति को तिलक करने का जो है मौका दिया, समझ रहे हो। दूसरी रेलिवेंस, जब गुरु अर्जन देव जी की मृत्यु हुई 1606 में, जो अगले सिख गुरु थे गुरु हरगोबिंद जी, उन्होंने हरमिंदर साहिब में अकाल तख्त की स्थापना की। इंपॉर्टेंट फैक्ट, वैसे तो जब हम गुरु हरगोबिंद जी के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इस सब चीज़ों के बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जा सकता है कि विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ अकाल तख्त, तो आंसर हो जाएगा गुरु हरगोबिंद सिंह जी, ठीक है। अकाल तख्त जिसको आप टाइमलेस थ्रोन बोलते हो, और या फिर थ्रोन ऑफ द टाइमलेस बोलते हो, तो इस अकाल तख्त की कंस्ट्रक्शन का काम भी बाबा बुद्धा और भाई गुरदास को दिया गया। और इसके अलावा, इन दोनों के अलावा किसी को इजाजत नहीं थी कि जहां पर ये अकाल तख्त बिल्ड हो रहा है वो उस एरिया में भी एंटर करें या उसमें पार्टिसिपेट करें, सिर्फ इन दोनों लोगों के पास ये काम था। भाई गुरदास जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनके लिए एक अलग से वीडियो में हम पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो बाबा बुद्धा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारी इंफॉर्मेशन अब आपको किताब में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा एंड हो जाता है गुरु रामदास जी। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे गुरु अर्जन देव जी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मजा आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं। और यहाँ पर आपको एक सीरीज मिल जाएगी, वन कंसेप्ट अ डे हिंदू में, उसमें मैं हिंदू एनालिसिस डिस्कस नहीं करता हूँ, ठीक है, हिंदू न्यूज़पेपर नहीं डिस्कस करता हूँ, हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, स्टैटिक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में आपके एग्जाम्स में काम आएंगे, PCS में भी काम आएंगे, तो वो आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट हैं, बाय बाय।